आ रहा हूं मैं। हार के बाद भी चेन्नई को मिली खुशखबरी, जल्द मैदान में लौटेंगे दीपक चाहर, टीम के स्टार ऑलराउंडर की होगी वापसी। आईपीएल 2022 के ओपनिंग मैच में भले ही चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद चेन्नई के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हां, टीम के स्टार ऑलराउंडर दीपक चाहर की जल्द वापसी होने जा रही है, क्योंकि दीपक चाहर अपनी खोई फिटनेस को पाने की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके दीपक चाहर मैदान में वापस लौटते हैं तो चेन्नई को तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही विरोधियों की भी हालत पस्त हो जाएगी। आपको बता दें कि दीपक चाहर भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे, उनकी जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था। दीपक तभी से बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी में रिहैब की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। CSK ने कुछ दिन पहले ही साफ कर दिया था कि शुरुआती मैच में दीपक चाहर का खेल पाना संभव नहीं है, लेकिन दीपक ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से फैंस के साथ प्रैक्टिस सेशन की वीडियो शेयर करके ये बता दिया है कि वो जल्द मैदान में लौटने वाले हैं। आईपीएल 2022 की शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले के साथ हुई, लेकिन पिछले सीजन की चैंपियन रही चेन्नई को ओपनिंग मैच में मुंह की खानी पड़ी और कोलकाता ने चेन्नई को 6 विकेट से हरा दिया। हालांकि धोनी ने धुआंधार पारी खेलते हुए 50 रन बनाए और टीम को मजबूती दी, लेकिन उनकी बल्लेबाजी का धमाल कोई कमाल नहीं दिखा पाया। लेकिन अब ओपनिंग मैच में हार झेल चुकी चेन्नई के लिए खुशखबरी है। साल 2019 में दीपक ने चेन्नई के लिए खेलते हुए आईपीएल में डेब्यू किया था। चेन्नई ने ऑक्शन के दौरान 14 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खर्च कर दीपक चहर को फ्रेंचाइजी के साथ जोड़ा है। दीपक चहर ने नेट्स में गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी हाथ आजमाया है। दीपक का जल्द से जल्द मैदान पर वापसी करना CSK के लिए काफी अहम है। वो टीम इंडिया में भी कई बार अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर हारी हुई बाजी को जीत में तब्दील कर चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल क्रिकेट सूत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ क्रिकेट की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज क्रिकेट सूत्र को भी लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।